वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कैंपस वाला, आई एम नबील अंसारी। तो जैसे कि इससे पहले वीडियो मैंने आपको बताया था नीट 2023 की नीट यूजी एग्जामिनेशन स्केड्यूल के बारे में, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाली 2022 और 2023 के नीट यूजी एग्जाम के मेजर डिफरेंसेस के बारे में कि इस बार क्या मेजर डिफरेंसेस हैं 2023 में। सबसे मेन डिफरेंस जो पब्लिश किया गया है वो टाई ब्रेकर है, यानी कि दो स्टूडेंट जिनके सेम नंबर आ जाते हैं तो 2022 तक उनकी एज देखी जाती थी, यानी उनकी एज के बेसिस पर ही उनके रैंक डिसाइड होती थी, किस स्टूडेंट को ऊपर की रैंक देनी है और किस स्टूडेंट को नीचे की रैंक देनी है। लेकिन 2023 से ये रूल हटा दिया गया है। अब 2022 के टाई ब्रेकर रूल्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट का सबसे पहले बायोलॉजी का नंबर देखा जाएगा। जिस स्टूडेंट का बायोलॉजी में अच्छा नंबर होगा उसको बेटर रैंक दी जाएगी। अगर बायोलॉजी में भी नंबर सेम है फिर केमिस्ट्री का नंबर देखा जाएगा, केमिस्ट्री में भी दोनों के सेम मार्क्स आते हैं, फिजिक्स के नंबर से स्टूडेंट की रैंक का डिसीजन लिया जाएगा। अगर इन तीनों रूल्स के अकॉर्डिंग भी टाई ब्रेकर सॉल्व नहीं हुआ तो ओवरऑल इनकरेक्ट व करेक्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस के अनुपात को देखा जाएगा। ऐसे में भी टाई होने पर सबसे पहले बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स सब्जेक्ट में इनकरेक्ट व करेक्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस के रेटिंग पर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। नीट एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 7 मई को और इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 6 मार्च से स्टार्ट हो चुके थे और इसका लास्ट डेट 6 अप्रैल तक, यानी कि आपके पास 1 महीने का टाइम है अपना फॉर्म सबमिट करने का। ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा ऑफलाइन मोड पर। दूसरा मेन डिफरेंस इसमें फीस का आया है, जो कि जनरल कैटेगरी वालों की 1600 की जगह 1700 रुपए कर दी गई है, ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूसी वालों की 1500 की जगह 1600 रुपए कर दी गई है और एसटी एससी और थर्ड जेंडर वालों की फीस 900 रुपए की जगह 1000 रुपए कर दी गई है और आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट्स के लिए 8500 की जगह 9500 फॉर्म फीस कर दी गई है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 2022 और 2023 के कुछ मेजर डिफरेंसेस के बारे में बताया। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।